सेंट्रल फोरम एफडीसीए की तरफ से आज का ये ऑनलाइन कार्यक्रम जिसमें आप सभी शरीक हैं, तमाम बहनों और भाइयों और बुजुर्गों को हमारा सलाम व आदाब। और आज हम सब भारतवासियों के लिए एक बहुत ही अहम दिन है, महत्वपूर्ण दिन है। आजादी जो हमने आज से 74 बरस पहले हासिल की, आज 75वां स्वतंत्रता दिवस है और पूरा देश आज इस स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। हम फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी एफडीसीए की तरफ से सभी भारतवासियों को और भारत के बाहर रहने वाले जो भारतवासी हैं और एनआरआईज हैं और जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन सब को भी हम आज 75वें इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं देते हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, समृद्धि की राहों पर आगे बढ़े और इसमें अमन हो, शांति हो और न्याय हो, बराबरी हो, भाईचारा हो और स्वतंत्रता हो और हम हर मैदान में तरक्की करें। तो आज के इस मौके पर फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर मुचकुंद दुबे सर हमारे साथ हैं। और आप जानते हैं प्रोफेसर मुचकुंद दुबे साहब बहुत ही हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रहे और विदेश सेवाओं में आपने बहुत से देशों में भारत के राजदूत के तौर पर और यूएनओ में बहुत सी जिम्मेदारियां निभाई और जेएनयू में भी आप इंटरनेशनल रिलेशंस पर काफी आपने पढ़ाया भी और रिसर्च कराया। प्रोफेसर मुचकुंद दुबे साहब हमारे इस फोरम के मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आज देश की जनता के नाम प्रोफेसर मुचकुंद दुबे साहब इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर अपना संदेश देशवासियों को देंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि प्रोफेसर मुचकुंद दुबे साहब देश की जनता के सामने आज इस अवसर पर अपना संदेश पेश फरमाएं। प्रोफेसर मुचकुंद दुबे सर, धन्यवाद। प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब, मैं सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको बधाई देता हूं और अपनी आजादी की सफलता की कामना करता हूं। ये आजादी हमने आज से 75 साल पहले काफी जद्दोजहद के साथ के बाद हासिल किया था। इसके दरमियान हमें बहुत बड़ी कुर्बानी करनी पड़ी, लाखों को जेल की यातना झेलनी पड़ी, हजारों हजार लोग फांसी पर चल गए या गोली से भून दिए गए, लाखों ने जीवन और जीवन यापन की सुरक्षा को ताक पर रखकर जान को हथेली में लेकर वर्षों तक आजादी के लिए संघर्ष किया। प्रश्न उठता है, हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए इतनी मशक्कत क्यों की और इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? इसलिए कि आजादी में देश का आत्मसम्मान और उसकी मर्यादा निहित है। भारत की आजादी की लड़ाई के महान नेता श्री बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। कोई भी स्वाभिमानी देश अपने को इस अधिकार से वंचित नहीं रख सकता।
हमारे नेताओं को इस बात का भी यकीन था कि आजादी के बिना हमारी सामाजिक और आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती। हिंदी में कहावत है, पराधीन सपनेहु सुख नहीं। आजादी के बाद सामाजिक एवं आर्थिक समानता एवं समृद्धि के जो हमारे सपने थे, उसका बहुत ही सुंदर चित्रण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्ति के मौके पर दिए गए अपने भाषण में किया है। इस भाषण को लोग ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी भाषण भी कहते हैं, यानी नियति के आमने सामने होना। भाषण के नाम से ही आने वाले चुनौतियों को समझा जा सकता है। हमारे महान नेता और भारतीय संविधान के प्रणेता निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान के प्रारूप की मंजूरी के लिए कंस्टिट्यूएंट असेंबली में पेश करते हुए कहा था कि अगर हम इस संविधान को के इस संविधान के सामाजिक और आर्थिक प्रावधानों को अमली जामा पहनाने में असमर्थ रहे तो इसके सियासी प्रावधान बेकार हो जाएंगे और हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था डबाडोल हो जाएगी। इस सिलसिले में बांग्ला के एक नामी कवि शमसुर रहमान की कविता स्वाधीनता तुम, यानी स्वाधीनता तुम, एक पंक्ति आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। ये पंक्ति बहुत ही सरल है। यह है, स्वाधीनता तुम्हें खोकार गाये रंगीन कुर्ता, स्वतंत्रता तुम मेरे बच्चों के बदन में डाला रंगीन कुर्ता हो। ये था स्वतंत्रता का अभिप्राय इन कवियों और मनुष्यों के लिए। आजादी की लड़ाई के साथ साथ सांप्रदायिक एकता का प्रयास करना हमारे नेताओं के विचारधारा और कार्यकलाप का एक बुनियादी पहलू था। गांधी जी ने तो इसके लिए अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी। सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तो उन्होंने इस विषय पर विचार कर सिफारिश करने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया। संविधान में अल्पसंख्यकों के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित करने और उनके धार्मिक आचरण, रीति रिवाज एवं शिक्षण संस्थाओं की आजादी और सुरक्षा के प्रावधान जो हैं वो इसी समिति के सिफारिश से लिए गए हैं। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि कानूनी व्यवस्था के अलावे संख्या बहुल समुदाय को अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष जवाबदेही है। उन्होंने इसे सोशल अप्रोचमेंट, सामाजिक समीपीकरण की संज्ञा दी थी। इसका मतलब हुआ कि बहुसंख्यक अपने निर्धारित कर्तव्यों के ऊपर इससे के अलावे खुद पहल लेकर अल्पसंख्यकों से मिले, उनका दुख सुख बांटे और उनके रहन सहन, रीति रिवाज और ईद मुहर्रम को अपना समझकर उसमें शामिल हों। आप जैसा जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज में जिस प्रकार सांप्रदायिक हारमनी
और एकता को जमीन पर लाकर खड़ा किया, वो हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम ही पाया जाता। महात्मा गांधी जी जो कि सुभाष चंद्र बोस के दूसरी बार कांग्रेस के राष्ट्रपति अध्यक्ष होने से खुश नहीं थे और उनके प्रतिद्वंदी का नाम जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि पट्टा भी की हार मेरी हार है, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने जिस प्रकार आजाद हिंद फौज में एक धार्मिक हार्मनी और सांप्रदायिक भेदभाव को हटाने का जो प्रयास किया उसकी भूरी भूरी तारीफ की। भारत सदियों से विविधता एवं अनेकता संपन्न राष्ट्र रहा है। हमारी विविधता ने हमारी जीवन प्रणाली, संस्कृति, कला और साहित्य को चार चांद लगाए और हमारी सभ्यता को विश्वव्यापी सम्मान दिलाया। यह विविधता हमें एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मिली है। यह भारतीय सभ्यता के स्वाभाविक विकास का एक अभिन्न अंग है। इसका एक अति ही वर्णन, सुंदर वर्णन कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर की भारत तीर्थ नामक कविता में है। समय के अभाव के कारण मैं उस कविता की पंक्तियों को बंगला में नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद आपको सुना रहा हूँ। आप थोड़ा सा धैर्य रखेंगे क्योंकि मैं नहीं सोचता हूँ कि भारतीय राष्ट्रीयता के संबंध में लिखा इससे बड़ा कोई लेखन उपलब्ध है। ये कविता है, कोई नहीं जानता किसके आह्वान से इतने मानव समुदायों की धारा शैलाव की रफ्तार में न जाने कहां से आकर इस समुद्र में मिल गई। यहां आए आर्य अनार्य, द्राविड़ चीनी लोग, शक और हून के दल, पठान और मुगल, और इसी एक देह में लीन हो गए। ये सभी मुझ में विराजमान है, कोई भी दूर नहीं है। हमारे शोणित यानी रक्त प्रवाह में हो रही है ध्वनित उनका विचित्र शुभ। नए कानूनों के द्वारा, हिंसा के वारदातों के द्वारा एवं पुलिस सुरक्षा और जांच पड़ताल एजेंसियों के द्वारा अल्पसंख्यकों को तबाह किया जा रहा है और उनको बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह सब कुछ एक निर्धारित नीति के तहत हो रहा है। यह सत्तारूढ़ पार्टी का बहुत दिनों से एक एजेंडा रहा है। वर्तमान सरकार इस एजेंडे को व्यावहारिक रूप देने में व्यस्त है। यह खुद कुछ उच्च तरीन स्तर पर निर्णय के मुताबिक, यह सब कुछ उच्चतरीन स्तर पर लिए गए निर्णय के मुताबिक हो रहा है और कोई भी विवेकशील व्यक्ति इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि राज्यों में मुसलमानों पर कहर ढालने वाले गोरक्षा और लव जिहाद संबंधी कानून केंद्र सरकार की जानकारी या इजाजत के बिना पास किए जा रहे हैं, या अल्पसंख्यकों के ऊपर सरकारी तंत्रों द्वारा जुर्म थोपे जा रहे हैं, उनको मनमाने ढंग से जेल में डाला जा रहा है
उनको जमानत में रिहा होने के खिलाफ सरकार मुकदमा चला रही है या 1 जुर्म से बरी होने के बाद उनको अन्य जुर्म के तहत जेल में नजरबंद रखा जा रहा है। इसका संज्ञान देश के उच्चतम पदाधिकारियों को अवश्य है। अगर ये उच्चतम पदाधिकारी अपने ही अल्पसंख्यक नागरिकों पर होने वाले इस अन्याय के मुख्य गवाह हैं तो इस देश का भविष्य अवश्य खतरे में है। सत्तारूढ़ सरकार और राजनीतिक दल एक बंटवारे की नीति को अमल में ला रही है जिसे डिवाइसिव पॉलिसी कहते हैं। यह बंटवारा भूभाग यानी टेरिटरी का बंटवारा नहीं है, यह दिलों का बंटवारा है जिसको पाटना अत्यंत ही दुश्वार है। यह भारतीय यह भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद देश का सबसे बड़ा बंटवारा है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि इस बंटवारे के कारण वांछित आर्थिक और सामाजिक प्रगति कभी नहीं हो सकती। करीब 200 मिलियन यानी 20 करोड़ अल्पसंख्यकों को अलग थलग असंतुष्ट और हिंसा की धमकी के अंदर रखकर भारत अपने विकास की संभावनाओं का पूरा फायदा कभी नहीं उठा सकता। इसके अलावा इस विभाजन के चलते भारत आने वाले वर्षों में कला और हिंसा का शिकार बना रहेगा। हिंसावादी प्रवृत्तियों का जोर पकड़ना हमारे देश की प्रगति में बाधा डालेगा। विश्व के तमाम प्रजातांत्रिक देश में यह धारणा जोर पकड़ती जा रही है कि भारत हकीकत में एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं है। यहाँ अल्पसंख्यकों की का तबादला दूसरी श्रेणी के नागरिकों के रूप में हो रहा है। सभी नागरिकों की अभिव्यक्ति एवं विचारों की आज़ादी के ऊपर सख्त पाबंदियां लगाई जा रही हैं। लोगों को अपने धार्मिक आचरण के पालन करने के कारण जुर्म सहना पड़ रहा है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं कि भारत प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की सूची में कई पायदान लुढ़क कर नीचे आ गया है। आज हमारे युवा वर्ग में युवा वर्ग के अनेक व्यक्ति हिंदुत्व की कृत्रिम राष्ट्रीय उन्माद की अवस्था में जी रहे हैं। यह अस्वाभाविक स्थिति बहुत अरसों तक चल नहीं सकती। यह उन्माद कभी न कभी तो शायद शीघ्र ही अवश्य बिखर जाएगा। आर्थिक नीति के नाम पर इस सरकार ने भारत की पूरी अर्थव्यवस्था को भारतीय एवं विदेशी पूंजीपतियों के हवाले कर देने को ठान लिया है और करती जा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों को एक एक कर बेचा जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में पहले बनी गई संस्थाएं विघटित कर दी गई है और उनके प्रशिक्षित मानव संसाधन का तीव्र गति से ह्रास हो रहा। इसके भुक्तभोगी भारत के करोड़ों गरीब तबके के लोग हैं जो अब तक अपने स्वास्थ्य एवं शिक्षा के लिए इन सरकारी संस्थाओं पर निर्भर थे। अब उनके पास आर्थिक बर्बादी और दुर्दशा के अलावे कोई उपाय नहीं है। निजी क्षेत्र में उपलब्ध सेवाएं उनकी पहुंच के बाहर है जिसके कारण वे इसका फायदा नहीं उठा सकते।
भारत में विदेशी पूंजी निवेश के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए ऐसे निवेशों पर लगाए गए करीब सारे प्रतिबंध हटाए जा रहे हैं। इसके बावजूद भी विदेशी पूंजी निवेश में किसी नाटकीय वृद्धि की बहुत कम संभावना है, क्योंकि ऐसा पूंजी निवेश अधिकतर दूसरे कारणों से प्रभावित होता है, जैसे देश में देश की सुरक्षा स्थिति, अंदरूनी हिंसा के वातावरण से मुक्ति, शिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धि, स्वास्थ्य की स्थिति जैसे प्रदूषण पर नियंत्रण। भारत में ये सारी परिस्थितियां प्रतिकूल हैं। आखिर में मैं कुछ शब्द विदेश नीति के बारे में कहना चाहता हूं। विदेशों में हमारी इज्जत इस बात से नहीं होती कि हमारे प्रधानमंत्री उन देशों की यात्रा कर रहे हैं जहां पहले कोई अन्य प्रधानमंत्री नहीं गए हैं, या इस बात से कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के सभापति पद जो हमें परंपरा के रूप में उपलब्ध हुआ है उस पद पर प्रधानमंत्री स्वयं आसीन हो, या विश्व मंच पर देश के विरोधी दलों की धज्जी उड़ाई जाए। इस दिखाऊ नीतियों के बल पर विश्व गुरु होने की बात तो छोड़ दें, हमें एक शालीन और मर्यादित राष्ट्र के रूप में भी स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। दशकों से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी ऐसा योगदान नहीं कर पाए हैं जिसके चलते हमारे प्रति दुनिया शुक्रगुजार हो। दक्षिण एशिया के लोग अपने पारस्परिक सहयोग के मार्ग में भारत को सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं। भारत की नई संतति को अपने एक पड़ोसी देश से लगातार घृणा करने का पाठ पढ़ाया जा रहा है, और हमारे राजनयिक इस घृणा के प्रचार में महारियत हासिल करने को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि समझते हैं। और अंत में ऐसा लगता है कि हमारी विदेश नीति हमारे नेता के घरेलू छवि को उजागर करने में प्रयोग हो रही है, और उनकी गलत सामाजिक और आर्थिक नीतियों को विदेशियों के समक्ष सही साबित करने के लिए, और इस प्रकार अपने नेता के राजनीतिक भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए। आप सोच रहे हैं कि इतना कह देने के बाद क्या है मेरा संदेश, तो लीजिए शीघ्र से शीघ्र कार्य करने के लिए कुछ सुझाव। पहला, सांप्रदायिकता के बढ़ते ज्वार को हमें सारी ताकत लगाकर रोकना है। इसके लिए जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, और इनकी तादाद बेशुमार है, उनका हृदय परिवर्तन करना जरूरी है। इसके लिए हमें गांधी जी के सत्याग्रह मार्ग पर चलना होगा। मैदानी सतह पर काम करने एवं धर्मनिरपेक्ष ताकतों को संगठित करके ही हम लोगों का हृदय परिवर्तन का देशव्यापी मुहिम चला सकते हैं। इसके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और प्रेषण यानी कम्युनिकेशन के नए साधनों का प्रयोग करने की आवश्यकता है। बताए गए सामाजिक सुभाष चंद्र बोस द्वारा बताए गए सामाजिक समीपीकरण
का आंदोलन भी हमें चलाना चाहिए। दूसरा, भारत की राष्ट्रीयता के बहस को ऐसे आयाम प्रदान करने की जरूरत है जिसे धर्म के नाम पर आधारित गलत और कृत्रिम राष्ट्रीयता के उन्माद से देश को छुटकारा मिल सके और वह एक प्राकृत यानी कि नॉर्मल स्थिति में आ जाए। सांप्रदायिक मसलों का हल जोर जबरदस्ती और हिंसा से नहीं बल्कि बातचीत और मेल मिलाप से हो। तीसरा, आर्थिक नीति में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता। देश में गरीबों की सुविधा के लिए पुराने संस्थाओं को पुनर्जीवित एवं नए संस्थाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में निर्मित करना होगा। उसी प्रकार सरकारी क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में डॉक्टरों, नर्सों और शिक्षकों को प्रशिक्षित करना होगा और उन्हें गरीबों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए प्रेरित करना होगा। ये इन सारी सेवाओं की व्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र में ही हो सकती है, क्योंकि निजीकरण की नीति के बावजूद हमने देखा है कि ये निजी क्षेत्र में स्थापित नहीं हो पाई और न भविष्य में इसकी संभावना है। चौथा, विदेश नीति के तहत भारत को सबसे पहले अपने पड़ोसियों में सद्भावना, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण तैयार करना पड़ेगा। पांचवा, विदेश सेवारत अधिकारियों के बीच यह एहसास पैदा कराना होगा कि उनकी जवाबदेही सर्वोपरि भारतीय संविधान के प्रति है, किसी राजनीतिक दल या नेता के प्रति नहीं। छठा और आखिरी, वर्तमान परिस्थिति में विदेश नीति के अंदर एक बहुत बड़ी प्राथमिकता है विश्व व्यवस्था के पुनर्निर्माण और उसको एक नए सिरे में डालने का प्रयास। भारत को इसके लिए अन्य विकासशील देशों और कुछ विकसित देशों के सहयोग से एक नई विश्व व्यवस्था की रूपरेखा आउटलाइन तैयार करनी होगी और इस पर विश्वव्यापी सहमति के लिए प्रयास करना होगा। तो ये मेरे संदेश या सुझाव है और इसके साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आपने जो इतनी देर तक ध्यान से सुना इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मुझे उम्मीद है कि हमारे सुझावों पर हम आपस में मिलकर फॉलो अप एक्शन ले सकेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रोफेसर मुचकुंद दुबे सर। और आपने आज के इस महत्वपूर्ण और बहुत अहम दिन पूरे भारतवासियों के लिए जो संदेश पेश किया है, जिसमें आज़ादी की कीमत, आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियाँ, भारत की असल जो बुनियाद है, संवैधानिक मूल्य और आपसी सद्भाव और भाईचारा और सांप्रदायिक ताके खिलाफ खड़े होने की बात और आर्थिक नीतियों पर आपका तबसरा और विदेश नीति पर आपका मार्गदर्शन और फिर अंत में आपने पॉइंट्स की शक्ल में जो कुछ करने के काम हमको बताए हैं, हमें पूरा विश्वास है कि देश की जनता तक और हमारी सरकार तक भी ये बातें जरूर पहुंचेंगी और हम कोशिश करेंगे इनको पहुंचाने की। हम इसकी रोशनी में हम भारत को उस बुनियाद पर बनाने की कोशिश करें जो बुनियादें
भारत की आजादी के वक्त हमारे लोगों में संविधान निर्माताओं ने जिन चीजों को सामने रखा था और जिस आधार पर इस देश को आगे बढ़ाने की बात सोची और सपना था, उस सपने के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर प्रोफेसर मुचकुंद दुबे सर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और आज के इस ऑनलाइन कार्यक्रम में हमारे जितने बहन भाई बुजुर्ग और युवा साथी ऑनलाइन कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि इस पैगाम को, इस संदेश को आप अपने अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे बढ़ाएं, पहुंचाएं, और सिर्फ बढ़ाएं पहुंचाएं नहीं बल्कि जो बातें इसमें कही गई हैं, जो बातें इसमें बताई गई हैं, जो मार्गदर्शन इसमें हमको मिला है, उसके आधार पर हम अपने अपने जगह पर अपने अपने जिम्मेदारी और दायित्व को पूरा करने का हमारा संकल्प और अहद, आज हम उस अहद को ताज़ा करें कि हम इस भारत को प्रगति की राहों पर ले जाएंगे, समृद्धि की राहों पर ले जाएंगे, न्याय और शांति की राहों पर ले जाएंगे और हम विकास की राहों पर ले जाएंगे और आपसी प्रेम और भाईचारा और सबकी बराबरी और आज़ादी और न्याय जैसे जो हमारे मूल्य हैं, उन मूल्यों के आधार पर हम अपने देश और समाज को बनाने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं और खास तौर से आज के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी के प्रोफेसर मुचकुंद दुबे साहब का कि उन्होंने समय निकाला और हमारी इस निमंत्रण और दावत पर ये संदेश देशवासियों के सामने पेश किया। इसी के साथ इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं और आप सभी का एक बार फिर से शुक्रिया, धन्यवाद और 75वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाइयां आप सभी को, धन्यवाद, शुक्रिया। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करते हैं, धन्यवाद।